about the politics. सर आप लोगों को भी मैं कवर कर रही हूँ, बच्चों को अच्छे से समझाइए। अच्छे से समझाइए बच्चों को। हेलो। बच्चों को अच्छे समझाइए। बच्चों यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी जो है सोते थे और ये बगल में उनका जो कपड़ा टंगा हुआ है, ये उनका ड्रेसिंग रूम था, यहीं पर उनके पूरे ब्यूटी किट रखा हुआ था।
ब्लॉग बन रहा है, हम लोग ब्लॉग उधर कर ले रहे हैं, आप नहीं आ रही हैं। कौन छूट रहा है यहाँ पे? जब उतरे परख लीजिए, ये है उनकी जन्मस्थली। जल्दी ले जानी है, जल्दी बंद करो भाई, नहीं तो 1 बजे बंद हो जाएगा। तो राजभवन नहीं 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 1 बजे बंद हो जाएगा, जल्दी करिए। 86 बजे 93 96 होना चाहिए। ये बग्घी है बच्चों, हाँ देखो ये बग्घी, इस पे इन लोग वो करते थे, इसमें अपना सवारी करते थे। बताते रहिए, देखिए जैसे जैसे सबकी फॉर्चुनर होती है उनको उस समय की ये फॉर्चुनर। फॉर्चुनर बच्चे क्या जाने, तो फॉर्चुनर कार कहाँ की वो बनी नहीं रहा है, ऐसे ही है, चले आ गए बाहर जाते हुए। तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा, 2 घंटा लेट थे, 10 मिनट के लिए 3 घंटे का सफर करके आए, बहुत बढ़िया। उसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए 22 23 24 25 बच्चे हैं, जल्दी आ, 26 27 अभी 4 बच्चे कहाँ हैं? हम लोग बड़े में नाश्ता लेने के लिए आए थे ना मैम, और नहीं ये जोड़ लिया हमने नीलमा मैम पैकेट। हाँ बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, हाँ पैकेट एक है और साथ में पानी की व्यवस्था कितना बच्चों के साथ, श्री सैनिक का ये श्री सैनिक स्वीटर प्राइवेट लिमिटेड का वहाँ से अलग पैकेट आया हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही। बोतल लाया हो वो बोतल रख दो, ठीक है, जिसके पास बाटल हो वो अपना पानी वही पानी पी देगा, बाटल आप पिएगा फिर पानी जाएगा, ब्रांड मत करिएगा। अभी अभी पहले क्या मतलब रख रहे हैं, जिनको जो हाथ बाटल है अपना पीना ठीक है। तारा है, इसका मतलब आप लोग सब लोग एकदम कंफ्यूज ना हो, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह। उपग्रह होता क्या है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाया। तो ग्रह कौन कौन से होते हैं मालूम है, कौन कौन से कोई बता सकता है?
हाँ बताए, वेरी गुड। क्रम से अगर बता दिया, ये सर सूर्य है, आइए इनके सबसे नजदीक कौन होगा, उसके बाद क्रम। एक खास पैटर्न में होंगे, पैटर्न का मतलब एक निश्चित क्रम में लगे होंगे, कोई ऐसे हल जैसा बना होगा, कोई एक मृग की वो बनाएगा, कुछ एक सात तारा जिसको सब कृषि बोलते हैं, सात लाइन में है ना। हाँ, तो इसी तरह अलग अलग वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में समूह बोलते हैं ना तारामंडल का, कुछ तो वो तारों का समूह, उसी तरह की वो अभी आपको अंदर इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे वहाँ पे, उसको आप देखेंगे, जैसे रात में आप ढूंढना पड़ेगा, अभी आपको ढूंढना नहीं, अंदर आप जब जाएंगे बकायदा आवाज के साथ आपको पहले बैठाया जाएगा, कहेंगे कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हम लोग अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, वॉइस ओवर के साथ आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। वहाँ पे सूर्य जो अपना ग्रह है, पृथ्वी अपना जो सूर्य तारा है और उसकी ग्रह पृथ्वी है, वहां से आपको पूरे तारामंडल जो अपना तारामंडल है उसका सैर कराई जाएगी अंदर इस प्लेनेटोरियम में। वहां पे आपको समझ भी विकसित होगी कि हम पृथ्वी जिस ग्रह पे रह रहे हैं उसके अलावा भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स पढ़ा होगा, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, उसमें असंख्य तारे, असंख्य ग्रह, असंख्य सूर्य, इतनी मतलब ईश्वर की इतनी विशाल संरचना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उसका एक जर्रा भी नहीं है ये पृथ्वी जिसपे आप बैठे हुए। और दूसरी चीज आप अनुभव करेंगे कि इतने विशाल तारे, इतने विशाल पिंड एक बैलेंस में चल रहे हैं लगातार, एक भी माइक्रो सेकेंड, मिनी सेकेंड का भी फ्रैक्शन नहीं हो रहा, वो अपनी गति में चल रहे हैं और असंख्य साइन से चल रहे हैं। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति बोलते हैं 4.5 अरब साल पहले की है, तो 4.5 अरब साल से वो सूर्य का चक्कर काटे जा रही है, अपने अपनी दूरी पे नाच रही है, लाखों किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से नाप रही है, 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर ले रही है। तो ये बैलेंस देखिए, आप ईश्वर का बैलेंस देखिए, जिसने सृष्टि की रचना की, किसी ना किसी ने की होगी, है ना। तो ये चीज को अभी आप अंदर जाएंगे तो अनुभव करेंगे, इस चीज को आप फील करेंगे। वही अनुभव आपको अंदर लेना है, इसका नाम है एक्सपोजर विटिंग। एक्सपोजर में क्या है, आप अपने आप को एक्सपोज करिए बाहर, आप अपने विचारों को उद्धृत करके बाहर निकालिए, एक्सपोज करिए खुद को अंदर से जागृत करते हुए, अपने आप को दिखाइए कि भाई हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या ना। अब्दुल कलाम से ही, अब्दुल कलाम का 1/4 हिस्सा तो बन ही सकता है, DRDO में एक रिसर्च फेलो तो बन ही सकता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बन सकता है, कब, जब आपका इंटरेस्ट उसमें रहे। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, जब आपके मन से, आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं यार ये कैसे होता है, दिमाग खटकेगा, अच्छा लगेगा कोई चीज, नई नई गाड़ी आती है घर में तो बाइक चलाने का मन करता है ना, यार मेरे को मिलती मैं भी चलाता बढ़िया से, क्यों, क्योंकि अंदर से मन करता है, और फट से आप सीख जाते हैं, कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही इंटरेस्ट, अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हो गया किसी एक का भी, तो वो घर जाएगा, किताबें पलटेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा, मोबाइल है उसका उपयोग गेम खेलने में नहीं, उन चीज़ों को रिसर्च करेगा, यूट्यूब पे नए वीडियोस देखेगा, आप कभी देखिए, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, जो हमारे उपग्रह हैं उनकी लाइव टेलीकास्ट आपको हर समय 24 घंटे सैटेलाइट लाइव टेलीकास्ट देखिए, अलग अलग सैटेलाइट में जो अंतरिक्ष यात्री उन सैटेलाइटों पर रह रहे हैं वो आपको दिखाएगा कैसे चक्कर काट रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे जीरो ग्रेविटी होती, ग्रेविटी मान याद है गुरुत्वाकर्षण, और जीरो ग्रेविटी मतलब जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहाँ कैसा फील होता है, उन चीज को आप अनुभव करेंगे, आप इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, आपको इतना मजा आएगा जब आप उन चीजों पे घुसने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लगेगा, और वही आपका आगे चल के फ्यूचर डिसाइड करेगा। जब गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा तो होगा क्या, क्यों क्या सिर्फ तैरने लगेंगे, यदि केवल गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो सुन लो एक झलक क्या क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण खत्म होगा तो ये पौधा ऊपर की ओर नहीं जाएगा, जो नीचे जड़ पकड़ा हुआ है ये पैदा ही नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण खड़ा हो जाए तो ये जितने नदी तालाब ये जो पानी टिका हुआ है पृथ्वी पे ये सब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे खींच रही है, हम लोग जो खड़े हैं ये खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो हम अपने शेप में ही नहीं रहेंगे, ये जो हमारा 5 फुट 4 इंच 6 इंच का शरीर है वो ऐसा नहीं लगा, फुलफुला हो जाएगा, इधर उधर से भागने लगेगा, क्यों, अभी एयर का प्रेशर इधर से लग रहा है चारों तरफ से, वो हमारी बॉडी को शेप दे रहा है, नीचे से गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, वो हमको खड़े रहने में मदद कर रहा है, यही चीज अभी चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 हिस्सा हो जाएगा। आप लोग
आनंद भवन में आए हैं और प्लानिटोरियम देखने जा रहे हैं। आपके यहाँ आने का मकसद उद्देश्य यही है कि आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है वो लाइफ में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही विकसित होना चाहिए। अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि वैज्ञानिक सबसे पहले होती है जिज्ञासा। अब जब आप आए थे तो बस में आपके मन में बच्चों क्या चल रहा था कि हम क्या देखेंगे, कहाँ जा रहे हैं, सब जिज्ञासा उत्पन्न हुई ना। जिज्ञासा से रुचि उत्पन्न हुई, विज्ञान के विषय में रुचि उत्पन्न हुई। फिर अब आप जाके निरीक्षण कर रहे हैं, फिर उसके बाद परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। ये सब चीज़ आपके प्रोसेस में है ना। अभी आप प्लानिटोरियम में जाएंगे। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है वो कि पूरे इंडिया में हम बता रहे हैं इंडिया में सिर्फ 4 जगह ही प्लानिटोरियम है, जिससे हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रयागराज आए हैं और यहाँ पे प्लानिटोरियम है। बच्चों ताली बजाओ, आप लोग को ये मौका मिला है, आप लोग को ये मौका नहीं था प्लानिटोरियम आने का। दूसरी बात, कुछ चीज़ें आप लोग मोटी मोटी बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे हम लोग जब आसमान को ताकते थे तो बोलते थे कि बाबा जी आसमान में दिखते हैं। सप्तर्षि ऋषि की अगर पहले लोग क्या करते थे, विज्ञान पहले का बहुत ज़्यादा एडवांस था। हम तो अभी विज्ञान की एकदम समझिए कि ABCD चल रहे हैं। पहले विज्ञान बहुत ही एडवांस था। पुष्पक, विमान, TV, पहले संजय महाभारत हो रहा था, TV देखते थे ना लोग। बहुत एडवांस था पहले, उसका सब पहले बहुत साइंटिफिक था। बीच में हम लोग अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने जो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी का रंग अगर देखा जाए, अभी हमको पृथ्वी कैसी दिख रही है, अगर हम ऊपर जाके पृथ्वी को देखें तो कैसी दिखेगी, उसका रंग कैसा होगा। नीला रंग होने का भी तो कोई कारण होगा। पानी में कितना पानी है, इसीलिए नहीं कितना पानी है, 97% हमारे पास कोई दूसरा, जैसे हमारे पास ये शर्ट हमारी ये फट गई है, हमारा कुर्ता फट गया तो हम दूसरा जाके सिलवा लेंगे। अगर हमारी पृथ्वी बर्बाद हो गई तो हम क्या करेंगे बच्चों। पानी अगर पीने को नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। हमको पानी जो है समुद्र में, ऐसे पानी से क्या फायदा, हम समुद्र में खड़े हैं और पानी नहीं पी पा रहे हैं। पीने से भी क्या फायदा है, जितना पी उतना प्यास लगेगी। नहीं, उसमें समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों, क्यों खारा होता है, नमक की मात्रा अधिक होती है। लवण क्या, कौन सा ज्यादा पाया जाता है, खनिज लवण, नाम बताइए। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं आम भाषा में, नमक। नमक कहाँ से, समुद्र से ही तो बनता है। क्या हम नमक पी सकते हैं, नहीं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अगर जल है तो ऑक्सीजन है, जल है तो हाइड्रोजन है, जल है तो जीवन है। अच्छा, एक बात तो और है, लाल रंग की बड़ी चर्चा हो रही है यहाँ पे, जितने लोग सब लोग प्यारे प्यारे तुम लोग लाल लाल कर, ऐसे कौन सा ग्रह है जिसका रंग लाल है। मंगल। मंगल क्यों लाल है, उसकी मिट्टी लाल है। उसमें क्योंकि जो लोहा होता है, लोहा में जब रस्ट लग जाता है, रस्ट मीन जानते हो, जंग लग जाता है, इनका यच नाम है और ये ओ है मैडम। तारामंडल इधर बैठा है। लेकिन ये चारों प्लैनेट गैसियस से, गैसेस के बने के सबसे दूर है। इनका डायमीटर 48,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इनको जाइंट या जो भी है जुपिटर लाइक, जैसे जुपिटर बड़ा है वैसे बाकी तीनों ग्रह है। और सभी ग्रहों में जुपिटर सबका गुरु है, क्योंकि ग्रह में 1300 प्रतियां समा सकती। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी हमारी इतनी विस्तृत है, वजन भी ज्यादा है। और सपोज कीजिए हम जुपिटर पर जाते हैं तो हमारा वेट पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा होगा, 2.64 टाइम्स मोर। जैसे मून पर जाने से वेट कम हो जाता है, वहां ग्रेविटी। एक बहुत अच्छी वैक्यूम क्लीनर की उपाधि भी इस ग्रह को दी गई है, क्योंकि ये कॉमेट और मीटियोराइट्स यानी धूमकेतु उनका पिंड को अपनी तरफ खींचता।
और अगर शायद जुपिटर ना होगा तो पृथ्वी पर गिरने वाले मेटेराइट्स का नंबर भी हजार रुपए होगा। अक्सर बोलते हैं हम देखो तारे क्योंकि गिर रहे, लेकिन वो तारे नहीं होते क्योंकि तारे कभी नहीं। रोज हम नेचुरल सैटेलाइट देखते हैं, एक ही चंद्रमा देख पाते हैं, लेकिन इस सौर परिवार में लगभग 150 से भी ज्यादा उपग्रह, जिसमें से जुपिटर के सैटेलाइट का नंबर है 79, सबसे बड़ा है गैनीमीड। साइज में देखा जाए तो वो मरकरी से भी 8% ज्यादा, यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट। शनि ग्रह दूसरे नंबर का प्लैनेट है, इतना हल्का है कि पानी के ऊपर रख दिया जाए तो हमें ग्लेयर का दिखाई दे। इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम, डेंसिटी यानी घनत्व। देखने पर ये ब्रॉड रिंग हमें दिखाई देती है, चौड़ी पट्टी। ये ग्रह के वायुमंडल, धूल के कण, बर्फ के टुकड़े, कंकड़ पत्थर, यही सब मिलकर बले बनाते हैं, बनते और टूटते हैं। सैटर्न के सैटेलाइट का नंबर पहुंच गया है 82, यानी सबसे ज्यादा। ग्रह के वायुमंडल में हवाएं चलती है जिसकी स्पीड होती है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बाकी ग्रहों के वायुमंडल में हवाएं चलती है उससे सबसे इतनी स्लो स्पीड में हवा चलती है ना, 2000 किलोमीटर बहुत कम होता है ना। हाँ भी बोलते हैं, चलो भैया ठीक है। मरकरी और वीनस की बात करें तो दोनों ही प्लैनेट बहुत ही गर्म है। मरकरी पर टेम्परेचर रहता है 400 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वीनस पर टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा 500, क्योंकि प्लैनेट पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मंगल ग्रह जहाँ फिलहाल जीवन संभव नहीं, पृथ्वी से दूरी है 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर, लगभग 8.5 महीने का समय लगता है। मीन 8.5 महीने जाना और आना, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। मार्स का एटमॉस्फेयर तो एक्टिव है लेकिन सरफेस एक्टिव नहीं है, आयरन ऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ग्रेविटी है 1/3, सनलाइट पहुंचती है 12 मिनट। वैज्ञानिक कोशिश में लगे हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो हम जानते हैं पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक चीजें कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर सही परसेंटेज में हमें अर्थ करना है। हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा कर रही है और 0.5 किलोमीटर के हिसाब से। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी आपके लिए। मॉडल आपने देखा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। आपने हाइड्रोलिक वाला देखा है, कोल वाला, ये है न्यूक्लियर। इसमें यूरेनियम का यूज किया गया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई गई, वाटर बच जाता है, इस टर्बाइन में आ जाता है और टर्बाइन में जो बचता है वापस रिएक्टर में आ जाता है, रीयूज हो जाता है, साइकिल ऐसे चलती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है। इसको प्रेफर किया जा रहा है कि इस तरह के प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। अब आप लोग जाएंगे थिएटर में, जिनके पास टिकट है वो एंट्री पहले लेंगे।